हेलो, वेलकम टू मैथ एक्सिस। आज इस वीडियो में आपको सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। आइए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पॉलीनोमियल हमें गिवन है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, और इसके टू ज़ीरोज़ गिवन है √5/3 एंड माइनस √5/3, एंड हमें अदर टू ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको याद करना है कि जो गिवन पॉलीनोमियल इसका डिग्री क्या है, 4 है। तो क्योंकि इसके 4 डिग्री है तो इसके 4 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। कितने ज़ीरोज़ होंगे? 4 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि हमें टू ज़ीरोज़ गिवन है एंड अदर टू ज़ीरोज़ क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो सिंस √5/3 एंड माइनस √5/3 आर द ज़ीरोस, तो हेंस एक्स प्लस √5/3 एंड एक्स माइनस √5/3 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। यानी क्या होंगे, गिवन पॉलीनोमियल के दोनों क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। देन एक्स प्लस √5/3 एंड एक्स माइनस √5/3 इज ऑल्सो द फैक्टर। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x² माइनस 5/3, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा, गिवन पॉलीनोमियल का फैक्टर होगा। और हमें अभी इसके अदर टू फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो अदर टू फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉलीनोमियल से x² माइनस 5/3 से गिवन पॉलीनोमियल 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5 को डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड। तो आइए से हम डिवाइड करेंगे। जब x² से हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3x², और 3x² से दोनों नंबर में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3x4 माइनस 5x². अब इनका हम साइन कन्वर्ट करेंगे तो प्लस एंड माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 3x² 6x³ माइनस 10x माइनस 5। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में हम x² से 6x³ को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6x। अब 6x से दोनों नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो 6x³ माइनस 10x। हम क्या करेंगे, इनका साइन कन्वर्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, 3x² माइनस 5। x² से हम 3x² को डिवाइड करेंगे तो आएगा प्लस 3। तो 3x² माइनस 5 प्लस माइनस, रिमाइंडर आ गया 0। अब अदर टू फैक्टर्स ऑफ द पॉलीनोमियल आर द फैक्टर ऑफ एंड इस पॉलीनोमियल के हमें अदर टू जीरोज़ फाइंड करने हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये पॉलीनोमियल है जो डिवाइड करने के बाद कोसेंट आया है इसको फैक्टराइज करना होगा, यानी इसके दो फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है, 9। यानी हम ऐसे दो नंबर पता करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आता हो, 9, और प्लस चाहे माइनस करने पर आए बीस का टर्म 6। तो 3x² प्लस 6x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x प्लस 3x एंड प्लस 3। जब इनमें हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन होगा, पहले 3x x प्लस 1, यहाँ कॉमन होगा सिर्फ 3x प्लस 1। तो 3x प्लस 3 एंड x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो हेंस अदर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 1 और
तो क्या होंगे अदर फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो जो है पॉलिनॉमियल है इसके टू अदर जीरोस क्या होंगे, जो अदर जीरोस होंगे वो दो टू होंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन। ये क्वेश्चन नंबर थ्री का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर फोर है ऑन डिवाइडिंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर में दे रखा है कि एक पॉलिनॉमियल पी एक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को जब हम गिवन पॉलिनॉमियल जी एक्स से डिवाइड करते हैं, जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट एंड रिमाइंडर वेयर, तो हमें कोसेंट मिलता है एक्स माइनस टू एंड रिमाइंडर प्राप्त होता है माइनस टू एक्स प्लस फोर। यानी गिवन पॉलिनॉमियल पी एक्स को जब हम जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है एक्स माइनस टू कोसेंट एंड टू एक्स माइनस फोर रिमाइंडर। तो हमें फाइंड करना है फाइंड जी एक्स, क्या फाइंड करना है फाइंड जी एक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम क्या है कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यह है डिवीजन एल्गोरिदम, यानी कि पी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा जी एक्स इंटू में क्यू एक्स कोसेंट प्लस आर एक्स रिमाइंडर, यानी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल्स टू हो जाएगा जी एक्स इंटू में एक्स माइनस टू प्लस माइनस टू एक्स प्लस फोर, यानी कि रिमाइंडर। तो जब हम इसका साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, रिमाइंडर का साइड कन्वर्ट करेंगे तो माइनस यानी प्लस टू एक्स माइनस फोर जी एक्स एक्स माइनस टू। अभी से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू जी एक्स एक्स माइनस टू। तो जब हमें जी एक्स फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को x माइनस टू से डिवाइड कर देंगे, देन ये होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे बचेगा क्या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। जब x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस x, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस प्लस, ये बचेगा आपका एक्स माइनस टू यानी कि प्लस वन एक्स माइनस टू हो जाएगा रिमाइंडर ज़ीरो, यानी कि जी एक्स क्या होगा आपका जी एक्स आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये था क्वेश्चन नंबर फोर का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनॉमियल्स पी एक्स जी एक्स क्यू एस एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, यानी हमें कुछ अपने तरफ से एग्जांपल देना है पॉलिनॉमियल का पी एक्स जी एक्स और क्यू एक्स एंड आर एक्स का, इसमें कुछ जो गिवन कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करें। पहला दे रखा है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, यानी कि जो पी एक्स की डिग्री है वही कोसेंट की डिग्री आनी चाहिए, दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए सेम। तो पहले क्वेश्चन में एग्जांपल ले सकते हैं कि पी एक्स को लेट किया जा सकता है कि लेट पी एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, एंड जी एक्स को माना जाए कोई भी नेचुरल नंबर्स मान लेते हैं कि वन,
देन जब हम एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स को हम वन से डिवाइड करेंगे तो वन एक्स स्क्वायर, यानी कि सेम जो ये पी एक्स है वही क्या होगा, क्यू एक्स हो जाएगा, क्यू एक्स भी सेम हो जाएगा, यानी दोनों का ही डिग्री क्या, इसका डिग्री भी टू है इसका भी डिग्री टू है। तो ये पहले का एग्जांपल था। इसी तरह आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, बस करना क्या है आपको कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल लें और जी एक्स को एक कोई एक नेचुरल नंबर ले लें, टू लें, फोर लें, फाइव लें, कुछ भी लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कि कोसेंट और रिमाइंडर दोनों सेम होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फोर था, जो क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में क्या था कि कोसेंट एक्स माइनस टू था और रिमाइंडर टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस माइनस टू एक्स प्लस फोर, दोनों की डिग्री क्या थी, वन, इसकी भी डिग्री भी वन, इसकी डिग्री भी वन। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर फोर है वही हमारे, वो भी सेकेंड कंडीशन क्या करता है, फॉलो करता है। तो जो फाइव का सेकेंड है उसमें हम क्वेश्चन नंबर फोर को ही नोट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन फोर, यानी क्वेश्चन नंबर फोर के पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे सेकेंड कंडीशन के। एंड थर्ड कंडीशन है डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू ज़ीरो, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। डिग्री ऑफ आर एक्स ज़ीरो आने का मतलब यह है कि जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कांस्टेंट नंबर बचना चाहिए, कोई कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल एक ले सकते हैं जो आपके बुक में दिया गया है, एक्स क्यूब एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ये हम मान लेते हैं पी एक्स है और जी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स है, तो क्यू एक्स हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री एंड रिमाइंडर हो जाएगा आपका एट। प्लीज रिमाइंडर की डिग्री क्या है, ज़ीरो है। तो ये क्वेश्चन नंबर यानी थर्ड कंडीशन का एग्जांपल हो जाएगा कि पी एक्स होगा ये, क्यू एक्स ये रहेगा, जी एक्स ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स एंड क्यू एक्स होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, तो आर एक्स क्या होगा, एट रिमाइंडर होगा। तो ये एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर थ्री, फोर एंड फाइव के सॉल्यूशन थे। थैंक यू।